और कृषि कानून रद्द होने के बाद भी किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और आगे की रणनीति को लेकर के आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है, जिसमें ये तय होगा कि आगे आंदोलन कैसा रहने वाला है। इससे पहले सोमवार को किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा है कि सरकार की तरफ से बातचीत के लिए बनाई गई कमेटी के पास कोई भी नहीं आया है। आपको ये भी बता दें कि सरकार से बातचीत के लिए किसानों की 5 सदस्य कमेटी बनाई गई है, जिसको लेकर के किसान ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी तक और स्टेट सरकार ने भी किसी ने अभी तक इस कमेटी को नहीं बुलाया है और अभी तक कोई बात नहीं की है। और कल जो है वो हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, तो आज हमारी 5 मेंबरी कमेटी की मीटिंग भी थी और उसके बाद जो 9 मेंबरी कमेटी है उसको भी बुला लिया गया था ताकि एक पारदर्शी बात हो जाए। और उसमें कुल मिला के फैसला ये किया गया है कि हमारा जो आंदोलन है वो जैसे पहले था वो जारी है। और कल की मीटिंग में जो कल की SKM की मीटिंग है उसमें अगले कार्यक्रम का हमारा निर्णय ले लिया जाएगा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए।